ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SAS ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। नहीं, ये कि इस कैंप में हम जोन डायरेक्टर हैं कंदारी साहब के साथ आज विजिट करने के लिए आए हैं। आज किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। करार में जो है काफ़ी किसान जो है हमने जो लिस्ट देखा है 106 किसान यहां पर प्रेजेंट हैं और किसान काफ़ी उत्सुक हैं कार्यशाला में आने के लिए, क्योंकि कार्यशाला में जो है भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी स्कीम है उसके जो भी स्कीम चल रही है और क्या क्या मतलब उसके अंदर जो अनुदान वगैरह हैं और क्या क्या है उसकी जानकारी किसानों को दी जा रही है। बाकी यहाँ कुछ प्रोग्रेस फार्मर जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी एग्जीबिशन स्टॉल वगैरह भी लगाई हैं, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। उससे किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही है कि किसानों की आय 2022 तक हम सभी के सामने लक्ष्य है कि उनकी आय को दुगुना किया जाए। इसी के लिए ग्राम स्वराज योजना के अंदर जो है 1 मई को किसान कल्याण कार्यशाला आयोजन करने का हम लोगों ने जो है पूरे ना कि पंजाब के अंदर सभी पूरा देश के अंदर जो है टारगेट रखा है सभी ब्लॉकों पर जो है। खरदो डेविड वर्मा, रिपोर्ट, चैनल 2।